कौन सा घाट है? दशाश्वमेध घाट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग सुबह सुबह वाराणसी में आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट नहाएंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग निकलेंगे अपने जयपुर के लिए। और ये मेरे साथ अजय भाई, कुछ कहिए अजय जी। हाँ भाई, हम लोग भी चल रहे हैं नहाने के लिए। अभी वहाँ से नहा के उसके बाद दर्शन किया जाएगा, तब अभी निकलेंगे। हाँ, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने गंतव्य की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम लोग की ट्रेन है, वहाँ से हम लोग जयपुर के लिए रवाना होंगे। और आगे हम बताते रहेंगे कहाँ हैं हम, क्या कर रहे हैं, और खूब इंजॉय किया जाएगा। ये सब फूल माला की दुकानें लगी हुई हैं, दर्शन करने के लिए आप यहां से प्रसाद फूल माला ले सकते हैं। कुछ दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, अधिकतर लोग अभी सोए हैं, कुछ लोग उठ चुके हैं, और हम लोग भी धीरे धीरे घाट की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। जाना था सब, आया लाने सब रूम वहाँ पे। और अब लोग हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ सब तरफ कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर चुके हैं, आवागमन चालू हो चुका है। यहाँ रात भर स्नान ध्यान चलता रहता है, सब लोग हमेशा जब जो आए, आदमी जिस समय पे आए अपना स्नान ध्यान कर सकता है। पूजा पाठ 24 घंटा यहाँ चालू रहता है। इस सीढ़ी से हम लोग उतर कर नीचे आए हैं। ये चारों तरफ का दृश्य है। हमारे अजय भाई जो हैं तैयार हैं, अभी स्नान करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। आइए चलिए। दोस्तों, अब अजय जी नहाकर वापस आ चुके हैं, अब ये बताएंगे नहाने का अनुभव कैसा रहा, कितना मजा आया। एकदम मजा आ गया। पानी अजय जी गर्म है कि ठंडा है? ना तो गर्म है ना भाई ठंडा, एकदम नॉर्मल। नहाने लायक है, एकदम मस्त पानी, नहाने में अच्छा फील हो रहा है। चलिए, आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहाना चाहिए आपको भी। अभी हम सोच रहे हैं कि अब हम भी चले और स्नान कर ले। ठीक है, स्नान करके आइए, उसके बाद फिर आगे एक अपडेट हम लोग देते हैं। अब हम लोग दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके वापस अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। बहुत अच्छा लगा, भगवान भोले जी का दर्शन हुआ आज बहुत दिन बाद। बहुत लालसा थी भगवान का दर्शन करने का, जो आज पूर्ण हुआ। हम अजय दोनों लोग दर्शन किए और काफ़ी अच्छा लगा, मन को काफ़ी शांति प्राप्त हुई। एक बार बोलिए भोले बाबा की जय।